कि माँ क्या होती है, 7 साल का एक छोटा बच्चा, माँ मर जाती है, घर में एक पिता है, कोई भाई बहन नहीं है, तो उसमें पूजा की पंक्तियां हैं, पूजा की कविता, और मुझे दावा है आपको बहुत अच्छी लगेगी। 3 मिनट की कविता मैं आपके समक्ष पेश करता हूँ। जितने लोग हैं, जितने मन से हास्य सुना है दोस्तों, उतने मन से माँ की कविता सुनना। एक बार तालियां बजा के आदेशित करें, मैं एक कविता सुनाता हूँ। यहाँ जितने लोग बैठे सब संस्कारी हैं दोस्तों, लेकिन वृद्ध आश्रम फिर भी हिंदुस्तान में बनते हैं। क्यों बन रहे हैं इसका कारण नहीं पता। विश्व गुरु था कभी हमारा हिंदुस्तान, फिर बनने जा रहा है, लेकिन अगर हमारे संस्कार मर गए तो कैसा विश्व गुरु साहब, अगर माँ बाप ही वृद्धाश्रम में जाने लगे। मेरा उद्देश्य कविता सुनाने को केवल इतना है, जितने लोग बैठे हैं कहीं ना कहीं माता पिता के प्रति और प्यार जागे, और आप अपना संदेश चारों तरफ फैलाएं कि माँ बाप का दुनिया में कोई सानी नहीं है। साहब, 2 पंक्तियों से बात शुरू करता हूं, क्योंकि त्याग सहनशीलता, त्याग सहनशीलता दया व क्षमा होती है, त्याग सहनशीलता दया व क्षमा होती है। इन सबको मिला दो तो फिर मां होती है, इन सबको मिला दो तो फिर मां होती है। आइए दोस्तों, जितनी शांति से आप सुनेंगे मेरा मन गदगद होगा, मैं आपका आभारी रहूंगा। आप मन से इस कविता को सुनिए, बीच में प्लीज ना उठे जाए, 3 मिनट की केवल कविता है। काश मेरी भी मां होती, काश मेरी भी माँ होती। उस 7 साल के बच्चे का मन नहीं है क्या मेरी माँ होती? जब वो दूसरे बच्चों के टिफिन देखता है, उनकी माँ को उनकी हिमायत लेता हुआ देखता है, जब उनकी माँ को समझाते हुए देखता है, जब स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग में उसकी माँ नहीं आती, तो बच्चे के दिल पे क्या गुजरती होगी। आप संस्कारी परिवार के संस्कारी लोग हो दोस्तों, समर्पित करता हूं कविता आपको। सुलेख जी सुनिएगा। काश मेरी भी माँ होती तो सपने रोज संजोती, काश मेरी भी माँ होती, अब ना किसी की आंख का तारा, कौन कहेगा राज दुलारा। अब ना किसी की आंख का तारा, कौन कहेगा राज दुलारा। अब रूठूं तो कौन मनाए, मेरी गलती पर समझाए, बिन माँ बाप के बचपन सुना, बुझ गई ममता की ज्योति। काश मेरी भी, काश मेरी भी माँ होती, काश मेरी भी माँ होती। जब मैंने इस कविता को लिखा दोस्तों, मैं इतना रोया कि शायद एक एक आंसू अगर मेरी कविता पर गिरता तो एक भी अक्षर बाकी नहीं रहता। लोग कहते हैं हास्य कविता है, हास्य कवि है, 2-4 चुटकुले फोड़ता सुनाकर चले जाते हैं। दोस्तों, कवि कोई भी हो, उसके हृदय में संवेदना होती है, वो देश हो चाहे पत्नी हो चाहे बहन हो चाहे माँ हो। कि मैं भी करके कोई शरारत, मैं भी करके कोई शरारत, उसके आंचल में छिप जाता, दुनिया की सब रीत बताती, मेरी गलती पर समझाती, मेरी खुशियों में खुश होती, वो मेरे दुख में रोती। और अंतिम 6 पंक्तियां पढ़ता हूं, अपना स्थान लेता हूं मित्रों। जब कभी हमारी तबीयत खराब हो जाती है, मन छोटा हो जाता है, उदास हो जाता है, हताश हो जाता है, कि कोई तो मेरे पास हो, मेरी पत्नी हो, मेरा बच्चा हो, मेरा भाई हो, मेरे पिताजी हो। 7 साल का बच्चा घर में 4 बुखार के अंदर पड़ा है, पिताजी दफ्तर गए हैं, बच्चे को माँ याद आती है तो क्या सोचता होगा। अगर मैं सही जगह पहुंच गया तो आपकी ताली आनी चाहिए। राघव बेटा सुनो, सुनिएगा साहब। कि कल जब मुझको ताप ने घेरा, कल जब मुझको ताप ने घेरा, भर आया पागल मन मेरा,
आंखों में उस माँ का चेहरा लिटा गोद में दवा पिलाती, लिटा गोद में दवा पिलाती, वो लोरी गा कर मुझे सुलाती, मेरा मुन्ना डर ना जाए पास मेरे वो सोती। काश वो सपने रोज संजोती, काश मेरी भी माँ होती। अंतिम तीन पंक्तियां दोस्तों, ये सब प्रभु, ये सब सामाजिक आर्थिक रूप से मजबूत लोग बैठे हैं। मैं भी अग्रवाल परिवार से हूं दोस्तों, कई बार हमें भूल कर देते हैं आगे से मत करना। ये मराव सफाता है घर में, ये कोठी आपकी है, ये कैसा आपका, आप भूकंप करो क्या करना है दोस्तों। ये बात ठीक है, लेकिन मेरा एक कहना है, मराव के पास हमेशा इतना पैसा होना चाहिए कि वो अपनी मर्जी से जो चाहे खर्चा कर सके। घर में बेटी आई है तो उसको 1,500 रुपए दे सके, बाजार से गिफ्ट ला सके। आमतौर पर हम कहते थे माँ तेरा सब कुछ है, जब चाहेगी जब ले रही हो। ऐसा नहीं है दोस्तों, 100-200 रुपए के लिए बार बार माँ बाप हाथ नहीं पसारते। मेरा ये मानना है कि उनको 1,000 रुपए, 2,000, 10,000, 1,00,000 रुपए जो आपकी सामर्थ्य है महीने में जरूर दीजिएगा। उनके पास ऐसी एक सेविंग होनी चाहिए कि 2-2 रुपए के लिए, 10-10 रुपए के लिए छोटी छोटी बातों पर आपको आवाज ना दे दोस्तों। ये आप सोचते हो लेकिन माँ बाप ने आपको पाला है दोस्तों, उनको हाथ पसारने पर मजबूर मत करो। और नंबर दूसरी बात, हम कई बार माँ से माँ बाप से ऊंचे स्वर में बात करते हैं, बड़ा तकलीफ होती है माँ बाप को, किन यत्नों से उनको पाला, आपको इस लायक कर दिया कि समाज आपको नमन करता है। लेकिन हम गलती ये करते हैं दोस्तों, माँ बाप को ऊंचे स्वर में बात करते हैं, उनको मोबाइल नहीं आता, टीवी नहीं आता, बहुत सारी चीजें नहीं आती, आज तक के आजकल के घर नहीं पता उनको, फिर भी हम जरा सी बात पर डांट देते हैं। पर आपको क्या मालूम है, आपने सोचा है, सबसे ज्यादा तकलीफ माँ बाप को होती है, उनको कुछ नहीं चाहिए, उन्होंने जीवन में सब कुछ कर दिया है, अब वो आपके प्यार के भूखे हैं। लेकिन हम ऊंचे स्वर में बोलकर अपने माँ बाप को परेशान करते हैं साहब, इसलिए माँ बाप से ऊंचे स्वर में बात मत करना। और नंबर तीसरी बात, हम घर में जाते हैं, घर से निकलते हैं, ऑफिस के लिए जाते हैं, कभी माँ बाप से मिलकर नहीं जाते, पत्नी से नमस्ते कर देते हैं, बच्चों से प्यार कर देते हैं, माँ बाप को बोल के जाइए कि मम्मी मैं दुकान पे जा रहा हूँ, पापा मेरे को काम पे जाना है, उनका मन खुश हो जाएगा। सारे दिन वो अपनी दुआओं से अपने बचाकर अपने आप को आपको घर पर लाते हैं और हम सीधे पत्नी के बेडरूम में घुस जाते हैं। साहब जब दुकान से या काम पर से आओ, अपने माँ बाप के पास एक बार बैठ के ठंडा पानी पी लो, उनको ये तसल्ली हो जाएगी कि मेरा बच्चा मेरे से बात करता है। कभी कल्पना कीजिए साहब, हमें कामों को नहीं करते, छोटी छोटी बातें हैं जीवन में, माँ बाप का ऋण कोई नहीं उतार सकता, लेकिन अगर छोटी छोटी बातें हो तो माँ बाप बहुत बढ़िया, माँ बाप के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अंतिम तीन पंक्तियां पढ़ता हूँ, टीम लंबी है, राजेश भाई का धन्यवाद, उन्होंने मेरे को और मौका दिया। अंतिम तीन पंक्तियां पढ़ता हूँ और आपको कहीं मन में आ जाए तो दोस्तों उस माँ के चरणों में ऐसी ताली बजाना जो अभी तक नहीं बजी, मैं आपका आभारी रहूंगा। अंतिम तीन पंक्तियां के, माता पिता अनमोल खजाना, माता पिता अनमोल खजाना, इनका प्यार ना कभी भुलाना, इनका प्यार ना कभी भुलाना, कष्ट यदि तुम पहुंचाओगे, कष्ट यदि तुम पहुंचाओगे, याद करोगे पछताओगे, कीमत तभी पता चलती है जब वो चीज नहीं होती। काश मेरी भी ना होती वो सपने रोज सजोती, काश मेरी भी ना होती। बहुत बहुत धन्यवाद, अमर भाई का धन्यवाद, आपने खड़े होकर इस कविता का जो मान सम्मान दिया है, मैं तमाम श्रीकंठपुरा वासियों का धन्यवाद करता हूं।